और जब बाहर आया तो पता चला कि बाहर के लोग भी बहुत ज्यादा दुखी हैं इस चीज से, मेरे बारे में बहुत बातें हो रही हैं। तो मैं चाहता था कि कम से कम यार अगर 3 दिन में ऐसा कर दिया तो मैंने 30 दिन में तो पता नहीं क्या कमाल कर देता। बहुत गलत हुआ है, गलत नहीं बहुत गलत हुआ है। वो जीत भी जाएंगे अगर वो व्हील चेयर से उठ जाते हैं तो। कहीं ना कहीं आपको चीजें बायस्ड लग रही हैं शो में? कुछ हद तक चीजों को सही कह सकते हैं। अरमान के पास 2 वोट हैं हर टाइम, 14 वोट मेरे हक में थी और 1 वोट मेरे हक में नहीं थी, जिसकी वजह से मैं आज बाहर हूँ। सना सुल्तान के साथ मेरी कभी दोस्ती नहीं होगी। कहीं पे भी अगर हम यूट्यूबर्स वाली बात करें यार, किसी को बुरा बात नहीं माननी चाहिए और कम्युनिटी को तो एक होना चाहिए। कुछ और ही प्रोपगंडा हुआ है मेरे साथ, मुझे नहीं पता क्या हुआ। हेलो हार्ट लाइव, और हमारे साथ हैं नीरज गोयल जो अभी अभी रिहा हुए हैं बिग बॉस हाउस से। तो क्या लग रहा है नीरज, बहुत जल्दी बाहर आ गए? बहुत जल्दी रिहाई मिली, इतनी जल्दी मिलने नहीं चाहिए, मतलब प्रूफ करने का ज्यादा मौका नहीं जल्दी मिला अपने आप को, ऐसा फील हो रहा है कहीं ना नहीं। कहीं? बिल्कुल बिल्कुल प्रूफ नहीं, मतलब जितने दिन मैं रहा उतने दिन मेरे को लोगों ने इतना ज्यादा प्यार दे दिया, घर के लोग अंदर के लोग। जब मैं बाहर आ रहा था तो 14 में से 10 के आंखों में तो आंसू थे और 14 के 14 बहुत दुखी थे, और जब बाहर आया तो पता चला कि बाहर के लोग भी बहुत ज्यादा दुखी हैं इस चीज से, मेरे बारे में बहुत बातें हो रही हैं। तो मैं चाहता था कि कम से कम यार अगर 3 दिन में ऐसा कर दिया तो मैंने 30 दिन में तो पता नहीं क्या कमाल कर देता। तो आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि गलत हुआ है एविक्शन जो हुआ है इस बार? बहुत गलत हुआ है, गलत नहीं बहुत गलत हुआ है। जो नॉमिनेटेड थी वो शिवानी थी, और जब आप घर से बाहर आ रहे थे तो काफी ज्यादा अपसेट वो लोगों को नजर आई स्क्रीन पर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रो रही थी। लेकिन आपके घर से निकलने के बाद जब रणवीर ने उन्हें ये कहा कि वो अपने डर की वजह से रो रही है, तो क्या आप इस चीज को सही मानते हैं? क्या वो आपके लिए रो रही नहीं थी नहीं या अपने डर की वजह से रो रही नहीं थी? नहीं नहीं मैं वहां पे 2-3 चीजें थी। एक तो वो अपने नॉमिनेशन से बहुत ज्यादा दुखी थी कि कभी उसको बाहर ना जाना पड़ जाए। दूसरा उसका रोने का कारण ये था कि घर के लोगों ने उसको वोट बहुत कम दिए हैं, वो बाहर चली जाएगी। तीसरा फिर ये था कि उसको उसको लोगों ने बचा लिया, जो उसकी ऑडियंस थी उसको ऐसा लग रहा था, मुझे जहां तक लगता है कि ऑडियंस की वजह से कुछ कोई बचा नहीं है। और उसके बाद कहीं ना कहीं वो मेरे से अटैच्ड थी कि उसको लगता था ये मुझे समझ सकता है। तो दोनों तीनों कारण थे इसके रोने के, सिर्फ हम एक कारण नहीं बोल सकते। अभी तक आप जितने दिन रहे हैं, सबसे अच्छा रिश्ता किसके साथ बना है? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड किसके साथ बना है? दीपक दीपक भाई के साथ। हाँ जी के साथ। जी हाँ जी, आपको कैसे लगते हैं वो खिलाड़ी? क्या वो टॉप 3 में हमें देखने को मिल सकते हैं आगे? वो जीत भी जाएंगे अगर वो व्हील चेयर से उठ जाते हैं तो। मतलब आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं जो इंजरी है वो उनके सामने आ रही हाँ, है, नहीं तो क्योंकि वो हर जगह पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे ना। अगर लोग किचन में तो किचन में नहीं आ सकते, लोग अगर गार्डन एरिया में तो वो वहां नहीं जा सकते, तो उनको चलने में आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। पूरी कैपेबिलिटी उनकी नजर नहीं आ रही है, आप ये बोलना चाह रहे हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगर हम घर में आपके रिलेशनशिप की बात करें तो सबसे आपको क्या लगता है कि आपकी किसी से नहीं बनेगी? मतलब 3 दिन जो आप रहे, किससे ऐसा है कि बिल्कुल आपको उसकी वाइब भी पसंद नहीं आई? सना सुल्तान। सना सुल्तान, क्या कमी है उनमें? मुझे बाहर आके पता चला है कि वो कोई बाहर वाली थी, लेकिन अंदर जो मुझे उसके बारे में लगता था वो बहुत ज्यादा फेक थी। वो सारी चीजें फेक कर रही थी, जो भी चीज। पहली बात तो इन्वॉल्वमेंट बहुत कम थी उसकी चीजों में, और उसके बाद वो बहुत ज्यादा फेक थी। उस ज्यादा फेक मुझे नहीं लगता कोई और था, बाकी सब रियल थे। आपने जैसे ऑफ कोर्स आपने लाइफ में कुछ अचीव किया है नीरज, तब आप इस प्लेटफॉर्म तक पहुंचे हैं और बिग बॉस में आपको इतना लोगों का प्यार मिल रहा है। लेकिन वहीं अगर जैसे आप बाहर की दुनिया में अब आ गए हैं, तो लोगों के रिएक्शंस जो हैं कंटेस्टेंट्स को लेकर काफी ज्यादा रूड कह सकते हैं वो थे, कि जैसे वड़ा पाव गर्ल आई है तो उन्होंने कुछ खास अभी तक किया नहीं है, और उनको कहा जा रहा है कि बिग बॉस में आ गई हैं और लड़ाई झगड़ा करो तो बिग बॉस में एंट्री मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं आपको चीजें बायस्ड लग रही हैं शो में? कुछ हद तक चीजों को सही कह सकते हैं, पर कुछ हद तक ये चीजें ठीक नहीं है। वहां पे मेरे जैसे लोग भी हैं, वहां पे रणबीर भाई जैसे लोग भी हैं, वहां पे दीपक भाई जैसे लोग भी हैं जिन्होंने बहुत कुछ लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, उसके बाद वो यहाँ पे है। तो हम यहाँ पे 50-50 की चीजें बोल सकते हैं। अच्छा, घर में अगर हम बात करते हैं तो ग्रुपिज्म ऑफ कोर्स आप जब थे तब भी बन रहा था, ग्रुप्स अलग अलग हो रहे हैं, बेशक हम विशाल या लवकेश की बात करें या अरमान की बात करें, उनकी दोनों वाइफ्स की बात करें,
तो आपको क्या लग रहा है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रुप कौन सा है, और क्या बिग बॉस का गेम ग्रुपिज्म वाला है या इंडिविजुअल पर्सनालिटी नहीं वाला? देखो, गेम 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 तो इंडिविजुअल है, और गेम इंडिविजुअल है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अरमान के पास दो वोट हैं हर टाइम पे, बस यही फायदा है, उसके अलावा तो कोई चीज नहीं है। पर जैसे मेरे को बाहर किया गया तो मुझे लगता है उन वोट का कोई फायदा है ही नहीं, जबकि 14 वोट मेरे हक में थी और 1 वोट मेरे हक में नहीं थी, जिसकी वजह से मैं आज बाहर हूँ। तो अच्छा, अगर हम जैसे लवकेश की बात मैंने छेड़ी, काफी लोग ये कह रहे हैं, आप बाहर हैं, आपने भी शायद ये सुना हो कि वो एल्विश को कहीं ना कहीं कॉपी करते नजर आ रहे हैं और प्रॉपरली नहीं मुझे एल्विश मुझे नहीं ज्यादा नहीं की तरह ये खेल रहे बात हैं। नहीं, मुझे बहुत लोगों ने ये बात बोली है, लेकिन मैं सबको ये बात बोल रहा हूँ कि अगर कोई दोस्त बने हैं, अगर कोई दो दोस्त हैं, 4 दोस्त हैं, तो कहीं ना कहीं उनका नेचर सेम होगा, तभी उन लोगों की दोस्ती ज्यादा लंबी चलती है। अगर वो 2 लोग सेम नहीं, अब 3 दिन में मैंने कैसे बोल दिया कि सना सुल्तान के साथ मेरी कभी दोस्ती नहीं होगी? क्यों बोल दिया? क्योंकि कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी होती है हम लोगों में, तभी हम लोग दोस्त होते हैं। तो उन लोगों का नेचर सेम है या बात करने का तरीका सेम है, जो हमारे वहां पे जो ये गुड़गांव जैसे लोग, गुड़गांव हरियाणा में जो गुड़गांव की बोली अलग तरीके से, तो वो उसी तरह से बात कर रहा है। तो ये तो कोई बात, इस बात को ये हम लगता कहीं है, ये नहीं कह सकते कि उसकी एक्टिंग कर रहा है वो या उसकी तरह खेल रहा है। लेकिन क्या आप ये मानेंगे कि जैसे यूट्यूबर्स बोलने पर लोग भड़क रहे हैं घर के अंदर, तो क्या जो यूट्यूबर की कम्युनिटी है, बेशक शिवानी की बात करें, अरमान की बात करें या लवकेश की बात करें, क्या आगे आने वाले दिनों में वो स्ट्रॉन्गली सामने आ सकते हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कहीं पे भी अगर हम यूट्यूबर्स वाली बात करें, यार किसी को बुरा बात नहीं माननी चाहिए, और कम्युनिटी को तो एक होना चाहिए। मैं बॉक्सर हूँ तो मुझे कोई बॉक्सर कहेगा मुझे ना बुरा लगेगा, और इसमें जब मैं अंदर था तो बहुत सारे बॉक्सर्स ने मेरे लिए सपोर्ट में वीडियो या फोटोज डाली हैं, तो जी उनको सपोर्ट भी मिलता है हम जिस कम्युनिटी से होते हैं, और उसके बारे में बात कोई करे तो हमें बुरा भी नहीं लगना चाहिए। नीरज को क्या लगता है कि टॉप 3 कंटेस्टेंट्स फिनाले में कौन जाने वाले हैं? हाँ, दीपक भाई को बोल सकते हैं, और अरमान की फैमिली में से किसी को बोल सकते हैं, और कटारिया विशाल में से किसी को बोल सकते हैं। नहीं दे रहे आप, दो दो नाम दे रहे हैं, मुझे एक नाम चाहिए, टॉप 3। एक बता नहीं सकता ना, क्योंकि यार किसी को देख ही नहीं पाया मैं तो, अच्छे से किसी को हाँ देख ही नहीं पाया, टाइम ही कहाँ दिया मुझे कुछ देखने करने का। घर में अगर जब आप गए थे, ऑफ कोर्स एक आप अपनी स्ट्रेटजी लेकर गए होंगे, आपको क्या लगता है कि कहाँ कमी रह गई, आपको क्या करना चाहिए था गेम में जिस वजह से आप? नहीं, कुछ ऐसा रहा ही नहीं, कोई भी ऐसी चीज रही नहीं, क्योंकि अगर मैं कुछ मेरे खेल में कमी होती तो मुझे अंदर की वोट ही ना मिलती, और अगर मेरे को बाहर की वोटिंग में कोई कमी रहती तो जो ऑडियंस मेरे को आज इतना प्यार दे रही है वो प्यार ना मिलता। तो ये तो कुछ और ही प्रोपगंडा हुआ है मेरे साथ, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, बट मैं ना अंदर की ऑडियंस की वजह से, अंदर के लोगों की वजह से, ना बाहर की ऑडियंस की वजह से मैं यहाँ से बाहर नहीं आया हूँ, और कुछ और ही हुआ है मैं, जिसका हमें किसी को भी नहीं पता। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बोली जाती है बिग बॉस को लेकर कि ये स्क्रिप्टेड होता है, प्लान्ड होता है, क्या आपको लग रहा है ऐसा कुछ है? नहीं ये तो नहीं, ये नहीं कह सकते कि बिग बॉस प्लान्ड है, स्क्रिप्टेड, ऐसा कुछ भी नहीं है कि स्क्रिप्ट वो होती है कि लोगों को डायलॉग दिए जाएं और उस हिसाब से काम करें, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब रियल चीजें हैं। बट मुझे क्यों बाहर भेज दिया गया, इसका रीजन नहीं मुझे पता। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, काफी सारे नॉमिनेटेड हैं, इस हफ्ते कौन घर से बाहर आने वाला है? सना सुल्तान और साई केतन को बोल सकते हैं हम। ओके, मैं आपसे छोटे छोटे सवाल पूछने वाली हूँ, आप बस नाम लीजिएगा कि कौन सा सदस्य आपको ऐसा लगता है, आपको घर में अरे सबसे बहुत ज्यादा टाइम से सेल्फिश कौन सोचने लगता है? में मकबूल, सना मकबूल। ना मकबूल, ओके, और सबसे ज्यादा हेल्पफुल कौन लगता है कि मदद करता है सबकी? वो उसकी परसेंटेज बहुत ज्यादा है, वो किसी एक का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि दीपक भाई के उसमें केस में मैंने देखा है, जब भी मेडिकल रूम में जाना होता था कोई भी तैयार था, तो जी हेल्पफुल में परसेंटेज बोल सकते हैं कि 50% लोग हैं जो हेल्पफुल अच्छा, सबसे ज्यादा डम कौन है घर में कि जिसको पता ही नहीं है चल क्या रहा है और क्या गेम खेलना है? हैं। ये भी नहीं मैं बता सकता, सब अपने हिसाब से सही खेल रहे हैं, डम किसी को नहीं कह सकते, जब ये बिग बॉस में आए हैं। और दीपक स्मार्ट की अगर बात करें, स्मार्टेस्ट कौन है? दीपक भाई, जी। चलिए, थैंक यू सो मच नीरज, आपने आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्लान्स। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू।